Hey guys, welcome back once again to another video. This is your boy Dipanshu, aka Eurodream. So, आज के इस वीडियो में हम इटली में स्टडी करने के कॉस्ट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं. आप लोगों ने सुना होगा कि इटली में फ्री एजुकेशन होता है तो वो स्कॉलरशिप की बेसिस पर ही होता है. तो ये जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि अगर स्कॉलरशिप नहीं होगी तो कितना कॉस्ट आएगा और स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो कितना कॉस्ट आएगा. क्योंकि दोस्तों फ्री एजुकेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ेगा. सो आज के इस वीडियो में मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. तो मेक श्योर कि आप एंड तक इस वीडियो में स्टिक रहे. तो चलिए शुरू करते हैं. ऑल राइट, सो गाइस, जैसे अभी मान लेते हैं कि आप लोगों ने प्लान कर लिया है कि अब हम इटली ही जाने वाले हैं. सो नाउ आपको पता है कि सितंबर 2022 इंटेक है नेक्स्ट, तो अभी से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो आप ले सकते हैं वो आइल्स एग्जाम की हो सकती है. इट्स नॉट एट ऑल मैंडेटरी, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको विदाउट आइल्स भी एडमिशन दे देगी. सो अगर हम इनकेस चलो लेते हैं आइल्स का भी एक्सपेंसेस, तो इट विल बी अराउंड 13,500 रुपीज. तो इतना कॉस्ट आपको आइल्स एग्जाम में इनकर करना रहेगा. ये स्टार्टिंग है, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल रहेगा. सेकेंड एक्सपेंस जो आपको आने वाला है जैसे ही आपका आईएल्स रेडी हो चुका है, आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो चुके हैं, उसके बाद यू गोइंग टू अप्लाई इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स. सो उसके लिए दोस्तों आपको 10-50 यूरोस तक की एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ती है इन ईच यूनिवर्सिटी. सो उसके लिए हम लोग एक एस्टिमेट लगाते हैं कि आप एक 3-4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे 3 में, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 100 यूरोस. और 100 यूरोस को अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो इट विल बी अराउंड 8,500 रुपीज. सो 8,500 रुपीज या 10,000 रुपीज आपको जो है एप्लीकेशन एक्सपेंसेस या एप्लीकेशन फीस में एक्सपेंड करना रहेगा. और बैचलर्स स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको 30 यूरोस एक्स्ट्रा करना रहेगा, क्योंकि वो टॉल्क एग्जाम देनी रहती है अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो. तो वो भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं मैं. नाउ जैसे ही आपने एप्लीकेशन फीस पे कर दी, देन आफ्टर 40-45 डेज आपको रिस्पॉन्स आता है यूनिवर्सिटी से, एंड देन वो एक ऑफर लेटर इशू करते हैं. अब ऑफर लेटर इशू होने के बाद दोस्तों आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, ये भी एक ऑप्शनल ऑप्शन है, जैसे पडुआ में आपको पे करना पड़ता है, पॉलीमी यूनिवर्सिटी और पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी मिलान में पे करना पड़ता है, यहाँ पर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ देयर ट्यूशन फीस पे करनी रहती है, जो कि अराउंड 160 यूरोस तक की हो सकती है या 200 यूरोस तक की मान लेते हैं, मैक्स टू मैक्स 200 यूरोस तक की हो सकती है. तो ये आपको पे करना रहेगा कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में, ना कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में. ना फोर्थ, अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि अब जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ गया है, आपने यूनिवर्सिटी की इंस्टॉलमेंट भी पे करती है, इंस्टॉलमेंट आप बाद में भी पे कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है. तो अब आपको कराने हैं अटेस्टेशंस. अटेस्टेशंस दोस्तों बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपकी डिग्री पर होता है, अपोस्टाइल होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड देन उसके बाद आपके जो स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे उन पर भी होगा, अपोस्टाइल, ट्रांसलेशन, लीगलाइजेशन. तो ये सारे ही जो डॉक्यूमेंट्स पर अपोस्टाइल या अटेस्टेशन होंगे जितने भी सारे मिलाकर, उस पर एक मेरा डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं. तो सारे ही मिलाकर हम कॉस्ट मान लेते हैं इसकी अराउंड 30,000, जो कि यूरोज में अराउंड 350 यूरोज होने वाली है. तो ये कॉस्ट जो है आपकी अटेस्टेशंस की हो गई अभी तक. नाउ ये जैसे ही आपके अटेस्टेशंस हो जाते हैं, आप फर्स्ट पेमेंट पे कर देते हो एप्लीकेशन फीस का, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों वीज़ा की. अब वीज़ा प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें, तो पहले उनको समझते हैं हम. अब दोस्तों हम वीज़ा एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो वीज़ा एक्सपेंसेस टोटल कहीं ना कहीं आपके 60,000 की होने वाले, उनको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं. तो सबसे पहला आपका वीज़ा फीस होने वाली, जो कि अराउंड 50 यूरोस की होगी. सेकेंड एक्सपेंस जो होने वाला है वो आपका बैंक स्टेटमेंट का होने वाला है. वो स्टेटमेंट का मैं सिर्फ यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. बैंक स्टेटमेंट अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपको 10-12 लाख का स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा, और अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो अराउंड 16-18 लाख का स्टेटमेंट शो करना रहेगा. सो ये एक्सपेंस में मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, इसको हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. इसके बाद आपको जो है होटल बुकिंग करनी रहेगी, तो मैं कहता हूँ कि मिनिमम आप अगर 7 डेज की भी होटल बुकिंग शो करते हैं एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, जो कि अराउंड आपको 200 यूरोस तक कॉस्ट करेगी, तो वो इंक्लूड कर लेते हैं. फिर आपको फ्लाइट एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो इंक्लूड कर लेते हैं. तो यहाँ पर फ्लाइट जनरली इंडिया टू इटली की रहती है अराउंड 30,000 तक की आपको मिल जाएगी, अगर पीक सीजन नहीं हुआ तो फॉर्मल ना ही सही है. तो इतना कॉस्ट आपको जो है इंक्लूड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन. नाउ ये आपने वीज़ा की फाइल सबमिट कर दी, वीज़ा के पहले पहले तक का ये एक्सपेंसेस होता है दोस्तों आपका. फ्लाइट और अकोमोडेशन बुकिंग का जो पैसा है वो आपको रिफंड भी मिल जाता है, तो ये अमाउंट डिडक्ट कर दीजिएगा, बट इसको भी हम लोग अभी जो है एक्सपेंसेस में कैलकुलेट करके चलेंगे. नाउ वंस योर वीज़ा इज ग्रांटेड, उसके बाद दोस्तों आप ऑफकोर्स यार शॉपिंग करने जाएंगे, तो मेक श्योर, यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मैंने बैग्स बहुत लोकल कंपनी के ले लिए थे तो वो ब्रेक हो गए थे, तो मेक श्योर बैग्स अच्छे खरीदे. तो शॉपिंग को हम लोग मान लेते कि यार चलो 30,000 तक की आप शॉपिंग कर लेंगे, एंड देन उसके बाद आती है
अराइवल एक्सपेंसेस, अब यहाँ आने के बाद क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप हवाई यात्रा करके यहाँ पर आ जाते हैं, उसके बाद सबसे पहला आपका काम होता है कि आप हाउस कॉन्ट्रैक्ट लें। अब हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए दोस्तों आपको 2 मंथ्स का एडवांस पे करना पड़ता है और 1 मंथ का रनिंग जो है रेंट पे करना पड़ता है। सो 2 मंथ्स का एडवांस हम लेट से ले लेते हैं कि 1 मंथ का रेंट होता है 150 यूरो, तो 2 मंथ्स का एडवांस हो गया 300 यूरो नाउ, और उसके बाद 1 मंथ का रनिंग हो गया 450 यूरो। तो ओवरऑल अगर इसको माना जाए तो 450 यूरो से लेके 500 यूरो तक हो सकता है, या ज़्यादा या कम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। नाउ वंस योर हाउस कॉन्ट्रैक्ट इज डन, उसके बाद आप करते हैं रेसिडेंस परमिट की एप्लीकेशन। रेसिडेंस परमिट यहाँ पर कहते हैं परमिशन टू सोजर्न, उसके अप्लाई करने के लिए आपको अप टू 200 यूरो तक का कॉस्ट इनकर करना पड़ सकता है, और वो डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, हर रीजन का अपना अलग कॉस्ट होता है। तो फिर भी मैंने मैक्सिमम आपको बताया कि 200 यूरो तक का तो आपको इनकर करना ही पड़ेगा। नाउ ये तो रहे दोस्तों अभी तक के एक्सपेंसेस, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूशन फीस की। दोस्तों तो ट्यूशन फीस जनरली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो होती है वो रेंज करती है 1000 यूरो से लेके 4000 यूरो तक, बट जनरल लेवल पे कहूँ तो सिर्फ 1500 यूरो तक ही रहेगी आपकी ट्यूशन फीस। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो रेंज करेगी फ्रॉम 6000 यूरो टू 20000 यूरो, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए मैं कभी भी अपने वीडियोज़ में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं करता हूँ, सो विल ओनली टॉक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। तो लेट सपोज कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फीस हम लोग टोटली ऑन एन एवरेज ले सकते हैं 1.5 लाख रुपीज़। नाउ इसके बाद आता है दोस्तों लिविंग एक्सपेंसेस। अब लिविंग एक्सपेंसेस दोस्तों यहाँ पर इटालियन गवर्नमेंट कहती है कि एक स्टूडेंट के लिविंग एक्सपेंसेस फॉर द एंटायर ईयर विल बी अराउंड 6000 यूरो। तो 6000 यूरो आपको अरेंज करना रहेगा 1 ईयर के लिए। अब 6000 यूरो को हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो अराउंड 5 लाख 20000 के आसपास आएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो इतना आपका लिविंग एक्सपेंसेस होने वाला है फॉर द 12 मंथ्स। इसमें 1 मंथ का एक्सपेंस डिवाइड किया जाए तो 500 यूरो पर मंथ मान रही है इटालियन गवर्नमेंट, जिसमें आपका फूड भी हो जाएगा और अकोमोडेशन भी हो जाएगा। तो ठीक है, इसको भी ऐड कर देते हैं, तो ये एडिशन हो गए। ऑलराइट सो गाइस, टोटल हो रहा है अराउंड 8,36,000। तो इतना कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा आपको अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर आपके पास स्कॉलरशिप होती है तो उस केस में आपको कितना इनकर करना पड़ेगा। सो दोस्तों यहाँ पर स्कॉलरशिप जो होती है उसके 3 एडवांटेज होते हैं। पहला, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड हो जाता है। सेकेंड, आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए जो फूड एक्सपेंसेस है वो फूड वाउचर्स या फूड कैंटीन से फूड प्रोवाइड हो जाता है। और थर्ड, थोड़ा बहुत कैश मिल जाता है। तो स्कॉलरशिप मिल रही है हमें 5200 यूरो की, जो कि इंडियन रुपीज़ में होगी अराउंड 4,47,000 की। तो इस अमाउंट को हम डिडक्ट कर सकते हैं हमारे टोटल अमाउंट से, सो इट्स 3,88,000। अब इतना कॉस्ट अभी तक स्कॉलरशिप का अमाउंट कट करने के बाद बच रहा है हमारा 3,88,000। अब एक और फन फैक्ट बताता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आप सभी को। स्कॉलरशिप का एक और एडवांटेज होता है, वो होता है कि ट्यूशन फी वेवर अगर आप रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हमने ट्यूशन फीस जो ली थी वो अराउंड ली थी 1.5 लाख की। नाउ इस अमाउंट में से हम 1.5 लाख रुपीज और डिडक्ट कर देंगे तो अब हमारे पास बच रहा है 2,38,000 रुपीज। सिर्फ और सिर्फ 2,38,000 रुपीज आपको इनकर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ लाइक इतना पूरा कॉस्ट में। सो मैंने आपको दोनों ऑप्शन बताए। मुझसे हमेशा कोई भी स्टूडेंट पूछता था कि यार भैया जब हम स्कॉलरशिप होगी तो कितना हमें लगाना पड़ेगा और नहीं होगी तो कितना। तो अगर नहीं होगी तो उस केस में आपको 8,36,000, और अगर होगी तो उस केस में अराउंड 2,38,000 के आसपास का एक्सपेंसेस इनकर करने रहेंगे आपको। अब ये तो आपको पता चल गया कि यार इतना सारा एक्सपेंसेस हमारा इनकर होने वाला है, ये पर ईयर एक्सपेंसेस है और इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके डिडक्ट होंगे। और आप पूछ रहे होंगे कि यार मैंने बैंक स्टेटमेंट क्यों नहीं इंक्लूड किया इसमें, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं इंक्लूड की है, जैसे कि आइल्स का एग्जामिनेशन क्योंकि हर कोई देता नहीं, वो ऑप्शनल होता है। सेकेंड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ट्यूशन फी वो भी इंक्लूड नहीं किए मैंने इसमें क्योंकि वो भी ऑप्शनल है। थर्ड, बैंक स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ शो फंड्स होते हैं, वो आप निकाल भी सकते हैं वंस यू गेट योर वीज़ा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की है। नाउ ये आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट वीडियोस जो होने वाले हैं उसमें मैं बताऊंगा कि क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा होता है इटली में अगर आप स्टडीज़ करते हैं, और कैसे हम हमारे एक्सपेंसेस को मैनेज करके इस कॉस्ट को भी और मिनिमम कर सकते हैं, तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ही हमें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।